Vishambhar Prasad Nishad ji. But please, as... No, 5 minutes is too much. Two minutes. माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे कार्यकाल पूरा होने के मौके पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपको, माननीय उपसभापति जी को और अपने सभी जितने कर्मचारी अधिकारी यहाँ रहे उनको बधाई देता हूँ जिन्होंने हमें 2 साल के कार्यकाल में हमें अपना सहयोग दिया है। मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी, माननीय अपने प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी और हम लोगों ने अपने नेता आदरणीय नरेश अग्रवाल जी से बहुत सीखा। मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने हमें यहां मौका दिया है और समय समय पर हमारे जो सहयोगी साथी हैं समाजवादी पार्टी के, उन लोगों ने पूरा हमें हौसला बढ़ाने का काम किया है। महोदय, मैं तो एक छोटे परिवार से आता हूं। मैं तो सोचता था कि राज्यसभा में बड़े बड़े लोग जाते हैं, नाव चलाने वाले, मछली मारने वाले को कौन पूछने वाला है। मैं बधाई देता हूं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, पूरा देश हारा, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के बहुत से हमारे साथी हारे थे। मैं भी लोकसभा का हमीरपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय तमाम बहुत बड़े बड़े नेता थे हमारे पार्टी के, लेकिन माननीय नेताजी ने, माननीय प्रोफेसर साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा नाम भेजा। मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने जब टीवी में देखा कि मुझे बनाया गया है तो मेरे आंसू आ गए। माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं सपना देखा था कि मैं भी यहाँ आ सकता हूँ राज्यसभा में। महोदय, चूँकि मैं 4 बार विधानसभा में विधायक भी रहा हूँ, 1991 में, 1993 में माननीय नेताजी के साथ मैं मंत्री भी रहा हूं 2 बार, 1993 में, 2003 में, 2004 में, और मैं लोकसभा का भी 1 बार मेंबर रह चुका हूं मानवर। तो मैं आज इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने समय बांध दिया है, मैं अपने दल के नेताओं को हृदय से जो है आभार व्यक्त करता हूं कि हमें मौका दिया। मैं यहाँ 7 जुलाई को मैंने शपथ ली थी, आज 13 जून है, आज विदाई समारोह है हम लोगों का। लेकिन मैं सदन से विनती करना चाहता हूँ, 13 मई, तो मैं अपने सदन के खास तौर पर केंद्र सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, देश पूरा उम्मीद लगाए हुए, जिस तरह से चुनाव में लोगों से वादा किया गया, देश में भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है और ख़ास तौर पर बुंदेलखंड में, हम तो जिस तरह से छोटे परिवार से आए हैं उस समय खाने की समस्या थी। हम जब छोटे छोटे थे तो गेहूं की रोटी नहीं मिला करती थी, मोटे अनाज चना की, बाजरे की रोटी मिला करती थी। जब कोई मेहमान आ जाए तब हम लोगों को, छोटे बच्चों को जो है गेहूं की रोटी मिला करती थी। आज हम लोगों ने खाद्यान्न में तो काफ़ी कामयाबी पा ली है, लेकिन आज भी लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, नौजवानों बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं है, तमाम समस्याएं हैं हमारे बुंदेलखंड में, खासतौर पर समस्याएं हैं क्योंकि वर्षा पर आधारित हमारे बुंदेलखंड की खेती है। इसलिए चूँकि इस समय सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बहुत काम कर रहे हैं, वहाँ गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, खाने के इंतजाम कर रहे हैं, पानी के इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से जो मांगा है तो केंद्र सरकार को पूरा मदद करना चाहिए। बुंदेलखंड आस लगाए बैठा हुआ है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी, अपने नेता माननीय रामगोपाल यादव जी को आभार व्यक्त करता हूँ, अपने माननीय सभी समाजवादी पार्टी के सदस्यों को सभी को बधाई देता हूँ, जो हमारे साथी 3 सदस्य हमारे साथ में रिटायर हो रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। अपनी बात खत्म करता हूँ, जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर चंदन मित्रा, 3 मिनट सिर्फ। थैंक यू।